हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है माया राहुल ब्लॉग्स में। अभी लगभग शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर जो पिछले वीडियो में दिखाई थी, मैं चावल धो के रखी थी, उसको मैं अभी साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ तो है ही, लेकिन हाँ उसमें कुछ मुझे धान दिखाई दे रहे थे थोड़े बहुत, तो बस मैं उसे इक्का दुक्का है उसको मैं चुन लूँगी और फिर इसको मैं जतिन के पास भेजूँगी चक्की। और यहाँ पर मेरे पास गेहूँ भी है थोड़ा, तो मैं उसको भी देख लूँगी। वो तो वैसे ही साफ़ ही है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मन की तसल्ली के लिए उसको भी मैं एक बार यूं ही साफ़ कर लूँगी। उसके बाद दोनों को मैं भेज दूँगी। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं ये साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं शाम का और दूसरा काम जो होता है वो मैं करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसे भेज दूँगी जतिन के पास, क्योंकि हमारे तरफ 7 बजे तक ही दुकानें खुली रहती हैं, उसके बाद बंद हो जाती हैं लॉकडाउन की वजह से। और यहाँ पर लाइट चली गई सडनली, तो फिर मैं लाइट आएगी उसके बाद ही मैं इसे साफ़ करूँगी। और यहाँ पर वो काम मेरा पूरा हो चुका है, तो जो धान निकला था उसको मैं यहाँ पर झाड़ू से झाड़ दूँगी। और वैसे भी पहले एक बार तो मैं झाड़ू लगा ही चुकी हूँ, तो इसको तो पैर में ना आए इसलिए इसको तुरंत ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। और अभी हमारे तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत उमस वाली गर्मी हो रही है। थोड़ी सी धूप निकलती है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और राहुल और दिशा अपने अपने काम से गए हुए हैं अभी, तो राहुल को तो टाइम लगेगा आने में, लेकिन दिशा अभी थोड़ी देर में आ ही जाएगी। राहुल लगभग वही 7:30-8 बजे तक आएंगे। तो यहाँ पर मेरा ये वाला काम ख़त्म हो चुका है। और ये है चावल, थोड़ा सा ही है, 3 केजी लगभग है, तो इसे मैं पिसवा लूँगी। और अभी मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, क्योंकि शाम हो चुकी है और मुझे चाय पीने की आदत हो गई है लग रहा है। पहले तो मैं बनाती नहीं थी अपने लिए चाय ज़्यादा, लेकिन अभी अभी ऐसे हो गया है कि मैं शाम को चाय पी ही लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही पीती हूँ, लेकिन अब मन करता है चाय पीने का, तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ, क्योंकि राहुल तो अभी आएंगे नहीं। और फिर जतिन को भी भूख लगी थोड़ी सी, तो मैं उसके लिए अभी बेसन के चीले बना लूँगी। तो बस उसके लिए बहुत ही सिंपल है बेसन के चीले बनाना। तो थोड़ा सा बेसन, उसमें प्याज और एक 2 हरी मिर्च डाल दी हूँ, और थोड़े से टमाटर हैं वो, और नमक डाल के इसका एक घोल बना लूँगी। और फिर उसके लिए मैं ये चीले बना लूँगी, घोल जो बहुत पतला भी नहीं होता और बहुत गाढ़ा भी नहीं होता है, बराबर मतलब मीडियम होता है। तो बस इसमें तवे में थोड़ा सा मैं तेल लगा के इस तरह से ये चीले को फैला लूँगी, और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और अच्छा लगता है बेसन का चीला जो होता है, और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। बस इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालना होता है, जो कि मैं अभी मिस कर गई हूँ अजवाइन को, लेकिन वो डालने से ज़्यादा अच्छा होता है। और बस इस तरह से मैं ये चीले बना लूँगी ढक के। शाम के टाइम मेरा काम थोड़ा कम रहता है, लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन शाम को हाँ मैं थोड़ी फ्री रहती हूँ। और जतिन रोज़ शाम का नाश्ता करता तो नहीं है, लेकिन आज वो बोला है तो मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि वो शाम को कुछ खाता ही नहीं है, सीधा रात में वो डिनर करता है, रात का खाना ही खाता है, दोपहर के बाद बीच में कुछ खाता नहीं है। हाँ, लेकिन कभी बाहर का कुछ खाने का रह गया तो खा लेता है, लेकिन घर में कभी नहीं बोलता मुझे बनाने के लिए, लेकिन आज बोला तो अच्छी बात है। मैं उसके लिए ये बना देती हूँ, बस 2 ही बनाऊँगी। और इस तरह से ये चीले बन के तैयार हो गए हैं, देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी ये टेस्टी ही होता है। तो बस उसे दे दूँगी सॉस के साथ। और फिर मैं यहाँ पर घी बना लेती हूँ। ये मेरे पास मलाई जमा हो चुका था, लगभग वही 8-10 दिन या 12 दिन का होगा, तो ये मलाई मेरे पास है, तो मैं इसका भी घी बना लेती हूँ। तो पिछली बार मैं छोटे पतीले में बनाई थी, तो मुझे थोड़ा सा ठीक से मतलब कंफर्ट नहीं थी मैं, तो यहाँ पर ये बड़ा पतीला ली हूँ अभी मैं बनाने के लिए। तो यहाँ पर पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे घुमाना पड़ता है। और यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ कि मैं इस बार किस चीज़ से इसे मैं बनाने वाली हूँ,
तो इस बार मैं ये जो दाल गलाती है ना उससे करूँगी, बिल्कुल देसी स्टाइल से बना रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसे इस तरह से बनाना है। और मुझे मेरी नानी का याद आ रही है, अभी नानी की याद आ रही है, क्योंकि मेरी नानी इसी तरह से ये जो है घी वो निकालती थी, माखन निकालती थी। और वो जब निकालती थी तो मुझे बहुत इच्छा होती थी इस तरह से घुमाने की। और यहाँ पर देखिए ये माखन कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया है। तो बस कढ़ाई गर्म है तो उसमें मैं इसे डाल देती हूँ और ये जल्दी ही बन जाएगा। मैं डायरेक्ट उसको, मलाई को भी मैं गरम करके घी बना सकती थी, लेकिन उसमें जो वेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर इस तरह से इसे बनाएं पहले माखन निकाल के तो कम निकलता है। और मुझे मट्ठा भी चाहिए था तो मेरा दोनों काम हो गया यहाँ पर, इसलिए मैं इस तरह से इसे इस बार बनाई हूँ। और यहाँ देखिए ये होने भी लगा है थोड़ा थोड़ा। और थोड़ी देर में ही ये इस तरह से उबलने लग जाता है। और यहाँ पर धीरे धीरे घी बनने के प्रोसेस पे है, देख सकते हैं आप लोग, ये बनने ही वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। और यहाँ पर देखिए घी बनके तैयार है, ये ठंडा हो चुका है और थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है। तो बस मैं इसे ड्रेन कर लेती हूँ और इस तरह से, और ये घी बनके तैयार हो चुका है इस तरह। और देखिए यहाँ पर जो वेस्ट है वो बहुत कम निकला है, लेकिन और यहाँ पर ये घी बन के तैयार है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और जो थोड़ा सा वेस्ट निकला था उसको मैं थोड़ा चीनी डाल के उसको गर्म कर दी, तो वो मिठाई जो एक होता है ना, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है क्योंकि मैं मीठा खाती नहीं हूँ, तो वही बना ली। और यहाँ पर मैं रात के खाने के लिए भिंडी काट रही हूँ, थोड़े से लंबे टुकड़ों में काटूँगी भिंडी को। कभी इस तरह से बनाती हूँ, कभी छोटे टुकड़ों में भी काटती हूँ, तो दोनों तरीके से मैं कट कर लेती हूँ। वो मूड पे डिपेंड करता है कि मुझे अभी कैसा बनाना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से अभी काट लेती हूँ। और राहुल आ चुके हैं यहाँ पर, तो मैं उन्हीं से बात भी कर रही हूँ। और जतिन पता नहीं मोबाइल में कुछ सॉन्ग सर्च कर रहा था। और देखिए यहाँ पर इस तरह से लंबे टुकड़ों में कट कर चुकी हूँ। और मैं उसके लिए प्याज लहसुन मिर्च और टमाटर भी काट के रख चुकी हूँ। और इसको जो है भिंडी को थोड़े से तेल में मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, ताकि जब मसाले में बनाऊँ तो मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। और इससे क्या है जल्दी से बन भी जाती है सब्ज़ी और अच्छी भी लगती है। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी इसे। साथ ही मैं दाल चावल भी बना रही हूँ, जो कि चावल बन चुका है और दाल अभी लगा हुआ है कुकर में। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल लेती हूँ, मस्टर्ड ऑयल, और इसमें डालती हूँ थोड़ा सा हींग, थोड़ा जीरा और थोड़ा सा जो मैं लहसुन काट के रखी थी उसको लाल होते तक भून लेती हूँ। उसके बाद हरी मिर्च डाल देती हूँ। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पर रेसिपी शेयर कर रही हूँ, नहीं मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोग के साथ। मैं सिर्फ जो मैं बनाती हूँ उसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं दो बड़े साइज़ के प्याज ली हूँ और इसको बिल्कुल ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। और इस तरह से ये ब्राउन हो चुका है। और यहाँ पर मैं इसके बाद मैं डाल दूँगी टमाटर। और जैसे ही मैं टमाटर डालूँगी उसके बाद मैं इसमें सूखे मसाले भी ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा टमाटर इस तरह से गल जाए उसके बाद सूखे मसाले में वही धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, यही सब मैं डालती हूँ। और बस इसके बाद इसको चला लूँगी थोड़ी देर। और इसके बाद बस भिंडी को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा नमक भी डाल दूंगी स्वाद अनुसार। और इस तरह से ये सब्ज़ी जल्दी ही बन जाएगी और खाने में बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर ये जो भिंडी है जो मैं सैलो फ्राई करके रखी थी उसको मैं इसमें मिला देती हूँ, अच्छे से मिला दूँगी मसाले में। और इसको बिल्कुल मीडियम नहीं, लो फ्लेम पर रखूँगी इसको, ताकि ये जल ना जाए। और बस ढक के थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहना है कि ये नीचे लगे ना कढ़ाई से। और साथ ही मैं यहाँ थोड़ी सी रोटी बना लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। और आटा भी मैं पहले से गूंद के इस तरह से रखती नहीं हूँ, जिस समय मुझे बनाना होता है तो मैं भले ही थोड़ा गूँथूँगी दो बार तीन बार, लेकिन मैं उसको गूँथ के फ्रिज में रखती नहीं हूँ। यहाँ पर सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुकी है। और लास्ट में यहाँ पर मैं एक चम्मच अमचूर पाउडर डाल देती हूँ, तो ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो थोड़ा सा मिला लूँगी और सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर बस मैं रोटी भी बना लूँगी। तो मैं बिल्कुल थोड़े ही रोटी बनाऊँगी, लगभग वही 8 रोटी ही बनाऊँगी।
और उसके बाद हमारा डिनर जो है तैयार हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और ये यहाँ पर दिसु आ गई है, उसको देखिए उसका नाक भौं कैसे सिकोड़ रही है, क्योंकि उसको भिंडी अच्छी नहीं लगती। खाती थी, उसको पसंद थी, लेकिन उसकी पसंद बहुत जल्दी बदल जाती है। तो अभी वो नाक भौं सिकोड़ रही है, लेकिन खा लेगी, वो खा लेती है उसको। जो मेरा रूटीन होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी आपको, और थोड़ी भी पसंद आई होगी ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग भिंडी की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर जो ये भिंडी की सब्ज़ी है हमारी, वो बनके तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से आप भी बनाइएगा, बहुत स्वादिष्ट लगती है इस तरह की भिंडी। और मैं बोलने में मिस्टेक करूँ तो प्लीज़ समझ जाइएगा। और यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, फिर मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो के साथ।